हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत ही कॉमन टर्म हो गया है, या हम कह सकते हैं बहुत ही कॉमन ट्रेंड हो गया है। इवन स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है एंड कॉलेजेस में चलता रहता है। तो होता क्या आके प्रेजेंटेशन, या फिर हमें प्रेजेंटेशन देनी कैसी चाहिए, या फिर प्रेजेंटेशन देते वक्त कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी ही चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। प्रेजेंटेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली क्या है, इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है। कम्युनिकेशन क्या होता है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज, व्यूज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उसको वहां से भी देख सकते हो, मेरे चैनल से भी देख सकते हो। एंड नाउ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज, व्यूज, नॉलेज शेयर कर सकते हैं। विच कैन बी अडैप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन सच एज टॉकिंग टू अ ग्रुप। बेसिकली जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, इट इज नॉट वन टू वन कम्युनिकेशन, इट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन वी कैन से, जिसमें हम एक से नहीं कुछ लोगों से एक साथ बात कर रहे होते हैं। जैसे जो क्लास में हमारी क्लास चल रही होती है, वन टीचर एंड मेनी स्टूडेंट्स, या फिर ट्रेनिंग चल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वन ट्रेनर एंड मेनी ट्रेनीज। तो इन सारी ही सिचुएशन में हमारी प्रेजेंटेशन बहुत काम में आती है। एड्रेसिंग अ मीटिंग, ब्रीफिंग अ टीम, एड्रेसिंग अ मीटिंग हमारा हो सकता है, ब्रीफिंग अ टीम हो सकती है, ये सारे हैं क्या? दीज आर ऑल मीन्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशंस। नाउ प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है? प्रेजेंटेशन स्किल्स, या हम कह सकते हैं जब भी हम एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन हो वो इफेक्टिव बने। फर्स्ट हमारा है इसमें प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज Who is the audience? See, communication में सिर्फ not only in presentation, communication में audience, हमारा audience कौन है वो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना होता है जब भी हम communication कर रहे होते हैं। क्योंकि मान लो फॉर example, एक छोटा बच्चा है जिसे अच्छे से बोलना नहीं आता है, तो उससे कैसे communication करोगे? उससे धीरे धीरे कुछ words से समझाने की कोशिश करते हो, पापा मम्मी या फिर कोई toy से। तो this is बिकॉज वी न्यू कि इसको पूरा अच्छे से नहीं आता है, ही वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अगर मैं इससे पूरा स्पीच से बात करूंगी। ठीक है, इन द सेम वे अगर मान लो एक हम इंटरव्यू में गए हैं, वहां पे हमारा ऑडियंस कौन है, हमारी लैंग्वेज उस हिसाब से चेंज होती है। हम मान लो एक ऑटो रिक्शा लेने गए हैं, हम उससे बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज उस हिसाब से चेंज होती है। और वी कैन ऑल्सो से मान लो एक फॉरनर आया है, अगर वो किसी ऑटो वाले से बात करता है तो वो क्या करता है? वो अपनी लैंग्वेज में बात करना नहीं शुरू कर देता है। वो क्या करता है? ही विल ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू से। फॉर एग्जांपल, ही वांट टू से आई वांट टू गो इंडिया गेट चार्जेस, व्हाट इज द चार्जेस, व्हिच मींस दैट हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, हमें वो कम्युनिकेशन को करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडियंस। नाउ प्रेजेंटेशन पे आते हैं, तो प्रेजेंटेशन में भी हमारी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है हमारे, तो शायद हमारी जो कम्युनिकेशन होगी या हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा, इट वुड बी टोटली डिफरेंट, बिकॉज ही वुड बी नोइंग दैट हमारे बच्चों को इतनी सारी अभी नॉलेज नहीं है, दे हैव जस्ट एंटर्ड इन द यूजी कोर्सेस, और इनको और या फिर एमबीए के फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे उस तरह से। तो उस हिसाब से हमारी जो कम्युनिकेशन, और मान लो अगर लास्ट ईयर के बच्चे होते हैं तो वी नो कि इनको सब कुछ आता है, इनको सारे स्पेशलाइज टर्म्स आते हैं, तो वी कैन टॉक, हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी या जो उसका लेवल होगा वो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। मे बी द कंटेंट वुड, द टॉपिक्स वुड बी द सेम, बट वो जो उनके कंटेंट होंगे और जो फर्स्ट ईयर के बच्चों के कंटेंट होंगे, दे वुड बी द डिफरेंट। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज योर ऑडियंस, देन व्हाई आर दे देयर, वो वहां पे आए किस लिए है, ऑडियंस को बुलाया किस लिए गया है, या ऑडियंस वहां पे क्यों आए हैं, उनको क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू नो, तो उसके हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है। देन थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट प्लानिंग होती है, व्हाट इज योर गोल, आपका गोल क्या है, आप इस प्रेजेंटेशन को देके कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, क्या चाहते हो कि आपके ऑडियंस
को क्या मिलेगा जिसलिए वो यहाँ आए हैं, उनका गोल भी पूरा होगा और आपका गोल भी पूरा होगा. हाउ लॉन्ग विल इट बी देयर. हमेशा कोई भी प्रेजेंटेशन होती है उसका एक टाइम फ्रेम पहले से डिसाइडेड होता है. इट इज ऑलवेज देयर कि कोई ना कोई टाइम फ्रेम होगा. आधे घंटे की प्रेजेंटेशन है, 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है या फिर 2 घंटे की प्रेजेंटेशन है. तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है हमें उस बनाते वक्त उसे भी हमें कंसिडर करना होता है, जिससे कि हम दूसरे का टाइम ना ले लें या फिर हमें बीच में कट शॉर्ट ना करना पड़े अपना प्रेजेंटेशन. और लास्ट हमें क्या प्लानिंग करनी होती है कि हमारा प्रेजेंटेशन आके हो कहाँ पे रहा है, वेयर विल इट टेक प्लेस, कहाँ पे होगा हमारा प्रेजेंटेशन. तो उसके हिसाब से भी हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें, इवन वी हैव टू डिटर्मिन कौन कौन सी चीजें हमें प्रोवाइड की जाएंगी. हमें से लैपटॉप अपने पास से लेके जाना है या फिर हमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे. तो इट इज ऑल्सो डिसाइडेड इन एडवांस. नाउ सेकेंड आता है हमारा प्रिपरेशन स्टेज. नाउ प्रिपरेशन एट द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन. जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारी प्रेजेंटेशन का. देन प्रॉम्प्ट, हम कैसे प्रॉम्प्ट करेंगे, विजुअल एड्स कौन कौन से यूज होने हैं, हमारी वॉइस कैसी होनी चाहिए, हमारा अपीयरेंस हमें कैसा देना है या फिर हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए, और कौन कौन से क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. जैसे लेंथ में ले लेते हैं. नाउ स्ट्रक्चर, जब भी हमारा कोई प्रेजेंटेशन होता है हम उसे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जब भी से हम कुछ भी हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं, हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर विच मीन्स दैट ऑब्जेक्टिव क्या है, बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, देन मेन कंटेंट पे आएंगे, देन समरी एंड कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन एंड देन क्वेश्चन आंसर पार्ट. नाउ ऑब्जेक्टिव्स अगर हम कहते हैं स्ट्रक्चर में हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है, विच मीन्स मान लो किसी भी एक टॉपिक पे अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में हम उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें हम सारे चीजों से इंट्रोड्यूस कराएंगे, या फिर हम धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ते हैं तो मान लो हम किसी एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे से उसका बचपन में ऐसा था, उसने ये किया था, ये किया था, ये किया था. देन एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू टेल, हम किस मुद्दे पे, तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आता है, देन हमारा मेन थीम आता है जिसे हम बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं. और उसमें भी क्या होना चाहिए, हमारा जो कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक. हमारे साथ हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वो रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए. देन लास्ट में हमारा समरी एंड कंक्लूजन हम करते हैं, हम लास्ट में उस जो भी प्रेजेंटेशन हमने दी होती है उसे हम कंक्लूड करते हैं. और की मैसेजेस जो हमारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस हम उस प्रेजेंटेशन के थ्रू देना चाहते हैं वो हम देते हैं. दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन. इंट्रोडक्शन पार्ट में वी जस्ट वॉन्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. हमारे जो ऑडियंस है हम उसका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं. तो अपनी स्टोरी का हमेशा आपने देखा कोई भी से पर्सनल कोई भी कोई नेता भाषण देता है तो स्टार्टिंग में कुछ थॉट्स बोलते हैं, कोई स्टोरीज देते हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, अपने पर्सनल से लाइफ से कोई स्टोरी सुनाते हैं. तो दीज आर ऑल द वेज थ्रू विच दे आर ग्रैबिंग दिस अटेंशन ऑफ द ऑडियंसेस. नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रॉम्प्ट, शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स ओनली. प्रॉम्प्ट जो होता है बेसिकली ये प्रॉम्प्ट होता है जो जो स्पीकर होता है प्रेजेंटर के लिए होता है. तो शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स, हमारी प्रेजेंटेशन में हमें पूरी सारी थ्योरी लिखनी भी नहीं पड़ती. अदरवाइज क्या होता है कई बार हमारी जो ऑडियंस होती है वो उस सारी थ्योरी को जो आपके प्रेजेंटेशन में इतना सारा आपने कंटेंट लिखा होता है वो उसको इसी को पढ़ रही होती है और आप क्या बोल रहे होते हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही होती. तो वी शुड राइट दैट इज इन शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, हमारे की वर्ड्स होने चाहिए जिन कीवर्ड्स को हमें वो एक से ओवरव्यू देते रहे जैसे कि हम उन कीवर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. पुट योर एंटायर प्रॉम्प्ट इनटू योर पावर पॉइंट स्लाइड्स. आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं, उनको आपको अपने स्लाइड्स में देना चाहिए. एंड दीज प्रॉम्प्ट्स आर फॉर यू, दीज प्रॉम्प्ट्स आर फॉर द प्रेजेंटर. ये हमारे दिस ऑडियंसेस के लिए नहीं होते, दीज प्रॉम्प्ट्स आर फॉर द दिस प्रेजेंटर सो दैट वो प्रेजेंटर को भी तो कुछ बता रहा है ना, प्रेजेंटर अपनी तरफ से भी तो कुछ बताएगा.
तो प्रेजेंटर को वो सारे प्रॉम्प्ट्स जो दिए होते हैं उन सारे प्रॉम्प्ट्स को उनको अच्छे से एक्सप्लेन या फिर हम कह सकते हैं कि क्लैरिफाई करना होता है। नाउ उसके बाद हम आते हैं विजुअल एड्स पे। आजकल हमारी जितनी सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं, दे आर ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, यूज सिंपल फॉन्ट्स, कलर्स एंड ग्राफ्स। हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें फॉन्ट्स इतने छोटे नहीं होने चाहिए कि दूर से दिखाई ना दे रहे, और इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि वो बहुत सारे कैप्स लॉक में भी नहीं होने चाहिए। तो इट शुड बी नॉर्मल, जो अच्छे से दिख रहे हो, दूर से बैठ के भी दिख जाए। एंड कलर्स हमारे सोबर, सिंपल एंड सोबर कलर्स होने चाहिए। ग्राफ्स, जहां जहां पे ग्राफ्स बन सकता है वहां पे, क्योंकि ग्राफ से जो एक्सप्लेनेशन होती है, इट लुक्स गुड ऑल्सो, इट इज ईजी टू एक्सप्लेन ऑल्सो। यूज इमेजेस एंड क्लिप आर्ट्स, इमेजेस एंड क्लिप आर्ट्स हमें यूज करने चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में। 3 to 7 बुलेट्स पर स्लाइड, बहुत सारा हमें हैपेजर्ड वे में नहीं होना चाहिए। 3 to 7 बुलेट्स हमारे बनाने चाहिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। डोंट ओवर क्राउड योर स्लाइड्स, इट विल नॉट लुक प्रोफेशनल। ओवर क्राउड योर स्लाइड्स का मतलब वही आपके स्लाइड्स में बहुत सारा, राइट एवरीथिंग इन बुलेट्स, एवरीथिंग इन पॉइंट्स, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन प्रॉपरली टू द ऑडियंस, और ऑडियंस भी एक पॉइंट को पढ़ने में उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बाकी वो एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटर के द्वारा सारा सुन लेगी। ठीक है, न्यू एंड डिफरेंट विजुअल एड्स, ट्राई टू बी अ न्यू, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इट वुड बी मोर अट्रैक्टिव। एड्स वेक पीपल अप, ठीक है, विच मीन्स कि ज्यादा फोकस आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ रहेगा। नेक्स्ट, हमारी जो वॉइस होनी चाहिए, लाउडर एंड क्लियर देन मोर देन योर नॉर्मल पिच। हमारी जो नॉर्मल पिच होती है उससे क्या होनी चाहिए, उससे थोड़ा लाउडर होनी चाहिए, क्लियरर होनी चाहिए। वेर योर पिच एंड वॉल्यूम, विच मीन्स कि हमारा एक मोनोटोनी में नहीं होना चाहिए प्रेजेंटेशन। इट शुड बी से हमारी जो पिच एंड वॉल्यूम होती है वो हमारा जो कंटेंट होता है, जिस चीज को हम फोकस कर रहे हैं, जिस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारी से हम कह सकते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेट करते रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और इस तरीके से हमारा जो टोन होना चाहिए वो बिल्कुल मोनोटोनियस नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पिच को वेरी करते रहना है, अपने वॉल्यूम को वेरी करते रहना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रेजेंटेशन। एंड ओवर एम्फेसाइज, ओवर एम्फेसाइज मीन्स ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वेरी इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो उस कंटेंट के हिसाब से, उसे अगेन एंड अगेन एम्फेसाइज करते जाना चाहिए। नाउ आते हैं अपेयरेंस ऑफ द प्रेजेंटर की तरफ। जो अपेयरेंस मीन्स, जो हम ड्रेस पहनते हैं, डार्क कलर्स, रीडर्स, बिजनेस लुक, विच मीन्स कि इट शुड बी हमारे जो होना चाहिए, बहुत कलरफुल नहीं होना चाहिए, बहुत डार्क एंड ब्राइट कलर्स नहीं होने चाहिए। तो इट शुड बी सिंपल एंड सोबर। ब्लैक कलर अच्छा लगता है, ब्लैक कलर लुक्स क्वाइट से प्रोफेशनल वी कैन से। वेयर कंफर्टेबल शूज टू वेट योर फीट इवनली। हमारे जो शूज होने चाहिए बहुत हाई हील्स नहीं होने चाहिए इन केस ऑफ फीमेल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंफर्टेबल होने चाहिए, ताकि क्योंकि प्रेजेंटेशन जब हम दे रहे होते हैं वी हैव टू स्टैंड अप, वी हैव टू वॉक अराउंड ऑल्सो, सो इट शुड बी कंफर्टेबल वन। अलाउ योर सेल्फ टू मूव अ बिट, एक जगह पे खड़ी नहीं रहना चाहिए अगर आपके पास में ऑप्शन है। कई बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है तो वी कैन नॉट मूव अराउंड, अदरवाइज हम वी कैन मूव अराउंड एंड गिव द प्रेजेंटेशन एंड लुक कॉन्फिडेंट। आपका जो लुक होना चाहिए इट ऑल्सो शुड बी कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट लुक करने चाहिए। प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल, यू कैन सी प्रोफेशनल लुक कैसा होता है, नॉन प्रोफेशनल इज कैजुअली अगर हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो इट लुक्स नॉन प्रोफेशनल। नाउ स्टाइल, यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। जैसे नॉर्मल वेयर में आप ड्रेस पहनते हो वैसे पहनो, बट इट शुड लुक फॉर्मल। यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू यूज इन नॉर्मल डेज, नॉर्मल डेज में आप जिस तरह से बात कर रहे होते हो वैसे ही बात करनी है, बट यू हैव योर प्रेजेंटेशन, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने वर्ड्स यूज करने। एंड बी योरसेल्फ, विच मीन्स दैट इस स्लाइड में यही बोला गया कि डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, बी योरसेल्फ। देन है हमारा स्केच द आइडियाज, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑडियंस ने आस्क, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन बनाया है,
आपने प्रेजेंटेशन में बहुत सारा कंटेंट यूज किया होगा, तो यू हैव टू गेस इन एडवांस कि किस तरह के प्रेजेंटेशन में किस तरह के आपके टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस है जो ऑडियंस आपसे पूछ सकती है। अगर आप इसे पहले से प्रिपेयर करके रखते हो तो इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर यू टू आंसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर आपको यू विल नॉट फील नर्वस बिकॉज यू आर वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। नाउ प्रिपरेशन मटेरियल यू कैन यूज फॉलोइंग आइटम्स टू मेक कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आप हैंडआउट से अपने प्रेजेंटेशन को असिस्टेंस दे सकते हो, या फिर पर्सनल नोट्स आपके हो सकते हैं, या फिर आजकल तो इंटरनेट में बहुत सारा स्टफ अवेलेबल होता है प्रेजेंटेशन के लिए, एंड विजुअल एड्स से आप एड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिस। से प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन में प्रैक्टिस प्लेज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल। प्लानिंग, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन, दीज आर थ्री इम्पोर्टेंट टर्म्स इन प्रेजेंटेशन। नाउ रिहर्स प्रैक्टिस में रिहर्स ऑल पॉइंट्स व्हाट यू प्रिपेयर। आपको वेल रिहर्स्ड आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमने सारे बुलेट्स ऐड किए हुए हैं। वी हैव टू एक्सप्लेन ऑल दोस बुलेट्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, सो वी हैव टू रिहर्स इन एडवांस कि हमें क्या बोलना है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें पहले से सारी चीजें रिहर्स करके रखनी है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में सोचना नहीं है कि इस पॉइंट में क्या डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करना। रिहर्स विद ऑल विजुअल एड्स एंड हैंड आउट्स, अपने के पास में जो भी विजुअल एड्स एंड हैंड आउट्स है उन सबके साथ में आपको क्या करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आप रिहर्स कर रहे होते हो, तो आपको पूरा जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन दोगे वो उन सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम। प्रेजेंटेशन में हमेशा टाइम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारी प्रेजेंटेशन पहले तो बननी है अकॉर्डिंग टू हमारा टाइम होना चाहिए। एंड वी ऑल्सो नीड टू अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस दैट वी आर मैनेजिंग द टाइम प्रॉपरली। रिहर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रिहर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट you have given that presentation so many times that when exactly the presentation is going to happen you would not feel nervous at that point of time. Now ab hum aa jate hain present. Presentation means jab aap exactly present kar rahe ho. Abhi tak hum plan kar rahe the, then hum bana rahe the, then hum usko rehearse kar rahe the. Now make a strong start. This is when at the time of presentation we are giving the presentation. Make a strong start. Hamara jo start hona chahiye wo strong hona chahiye. You can start off with some thoughts, with some stories, with some personal experiences, with the experiences of the others, so that you can attract this audiences or engage the audiences. Now engage the audiences in first 2-3 minutes आप उस audience को engage करते हो। If they would get attracted towards your presentation, then show your passion through your movements and gestures, आपके जो gestures, because this is also a form of non-verbal communication, जिसमें हम अपने movements, gestures, postures के through we can also show that we are interested. मेक एन आई कॉन्टैक्ट, हमारा आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए दिस ऑडियंस के साथ में। वी कैन नॉट, जैसे हम अगर हम प्रेजेंटर हैं तो हम हर किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट है, बट वी हैव टू गिव देम, मेक दैट आई कॉन्टैक्ट विद दिस ऑडियंसेस। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल एज यूज टॉपिक्स इन योर टॉपिक्स इज अनलेस योर टॉपिक इज वेरी ग्रिम, आपके फेस में स्माइल रहनी चाहिए। अनलेस एंड अंटिल आपका टॉपिक ऐसा हो कि उसमें स्माइल रहना रखना अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं स्पीकर्स इम्पैक्ट। स्पीकर प्रेजेंटेशन में हमारा जो स्पीकर होता है उसका इम्पैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे हमने कहा वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका जो इम्पोर्टेंस होगी दैट इज ओनली 7%। विजुअल जो हमें दिखाई दे रहा है उसका जो हमारा इम्पोर्टेंस होगी दैट इज 55%, एंड वोकल जो हम बोल रहे हैं दैट इज 88%। सो हमारा जो विजुअल दिख रहा है इट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ लैक ऑफ, कई बार हमारे हम कहते हैं फ्लॉज इन द प्रेजेंटेशन लाइक द ऑडियंसेस आर नॉट इंटरेस्टेड। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मे बी वी हैव नॉट गिवन द प्रेजेंटेशन अर्लियर। Lack of enthusiasm means वो जो energy level हम presentation के समय में हम बिल्कुल
से हम बिल्कुल लेथार्जिक वे में बात कर रहे हैं, इट इज नॉट एनर्जी लेवल बहुत कम लग रहा है, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन इज ना रिप्रेजेंटेशन तो ऑडियंसेस होंगी वो इंटरेस्टेड नहीं होंगी, लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर हम अपने दिस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमने कहा कि रिहर्स रिहर्स एंड रिहर्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज अ वेरी ट्रू दिस केस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑल्सो, कि भाई आप जितना ना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होने वाली है। लैक ऑफ रिलेटेड मटीरियल, अगर आपने जो मटीरियल है आपको हमेशा जितना बोलने वाले हो उससे एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, जिससे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका कहीं पे टाइम लैग ना हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है कि आप यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग नर्वस, हेजिटेशन हो सकती है क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमेशा कुछ लोग होते हैं, एक से नंबर ऑफ ऑडियंसेस होते हैं, तो कई बार हम हेजिटेट होते हैं, दैट इज व्हाई हमारी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हो पा रही होती। एम्बिग्युटी इन द रिजल्ट दैट यू वॉन्ट टू कंक्लूड, कई बार हम जो रिजल्ट कंक्लूड करना चाहते हैं या जो हमारा कंक्लूजन होना चाहिए था वो सिचुएशन वो हमारा डाउटफुल हो जाता है या वो हम क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं लोगों को, दैट इज व्हाई हमारी जो प्रेजेंटेशन हो जाती है वो ब्लंडर हो जाती है। नाउ फैक्टर्स वेयर दैट शुड बी से कंसीडर्ड व्हाइल गिविंग द प्रेजेंटेशन, वी कैन से या व्हाइल गिविंग अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन इज फर्स्ट बी ओवर प्रिपेयर्ड, हमने कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिहर्स, फ्रेंड्स के सामने सुनाओ, अपने मिरर के सामने देखो, देन ओवर प्रिपेयर्ड होके रहो, जितना मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, रिहर्स एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ग्रिप ऑन योर टॉपिक्स, जो टॉपिक आपने चूज किया है उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जो आपने टॉपिक उसके आगे और उसके पीछे सारी चीजों को अच्छे से कवर किया होना चाहिए, सब्जेक्ट नो योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, बी पॉजिटिव एंड अवॉइड स्ट्रेस, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग इज वेयर एवरीबडी फील्स अ लिटिल नर्वस, बट वी शुड बी पॉजिटिव, हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, तो वी वुड एबल टू गिव अ गुड प्रेजेंटेशन। ऑलवेज प्रिपेयर, वी कैन कंक्लूडेड दैट प्रेजेंटेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए ऑलवेज प्रिपेयर, हमने कहा एक गुड प्रेजेंटेशन के लिए सबसे जरूरी है कि हम अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाए, एंड देन उसकी जो प्रिपरेशन पार्ट है, प्लानिंग पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, देन प्रिपरेशन पार्ट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, एंड देन हमारा प्रैक्टिस पार्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर हम बहुत अच्छा बना रहे हैं और अगर हम बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, बट हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो इट वुड बी ऑफ नो यूसेज। ऑलवेज प्रिपेयर, जनरलाइज योर फियर्स, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में हर कोई नर्वस फील होता है, एंग्जाइटी होती है, बट हमें वी हैव टू मोटिवेट आवर सेल्फ एंड प्रिपरेशन के थ्रू वी कैन मिनिमाइज इट एज वेल। इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करो। इसके अलावा हमने कहा कि हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रीवियसली हमें पहले ही जो क्वेश्चंस ऑडियंस पूछ सकती है उसके बारे में अच्छे से हमने रिसर्च की होनी चाहिए, अच्छे से सारे क्वेश्चंस डिटरमिन इन एडवांस, वी कैन डिटरमिन ऑल दोस क्वेश्चंस, हम अपने प्रेजेंटेशन के बेसिस में वी कैन डिटरमिन कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं हमारी प्रेजेंटेशन में से और उस टॉपिक में से, और उन सारे क्वेश्चंस को हम पहले से प्रिपेयर करके रखें ताकि हमारी प्रेजेंटेशन के बाद में जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता हो वो भी हमारा बहुत अच्छे से पूरा हो। तो होप यू वुड हैव, इसके साथ ही हमारा ये जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट होता है ये खत्म होता है। होप यू वुड हैव एंजॉयड इट, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी कंसर्न यू कैन राइट टू मी ऑन माय कमेंट बॉक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम।